मेरा नाम हरविंदर और मैं एक रिकवरिंग एडिक्ट। मैं नशे के दौरान काफ़ी मेरे को गिरावटें आई, जिसके दौरान मेरे घर वालों ने मेरी पढ़ाई को रोक के बीच में मुझे शफा होम एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है वहाँ मेरे को भेजा। मैं वहाँ पर मतलब काफ़ी एक बड़े ट्रीटमेंट में रहा 12 महीने के, जहाँ मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। एक मतलब फैमिली जिसके चलते मैं कभी अपनी फैमिली में नहीं रहता था, घूमना बाहर घूमना वही अच्छा लगता था, फैमिली में नहीं रह पाता था, मैं एडजस्ट नहीं कर पाता था। यहाँ पर एक फैमिली की तरह मेरे को एडजस्ट करने में मदद मिली, काफ़ी चीज़ें मैं सीखा एक तरह से, मतलब एक दिन बिना नशे कैसे रह सकता हूँ। मतलब जो सबसे मेजर चीज़ें थी, मतलब मैं कभी अपने कपड़े नहीं धोना, लड़ाई झगड़ा करना, उन सब चीज़ों को मतलब काफ़ी सही तरीके से मैंने जाना कि इनसे क्या गलतियाँ हुई हैं, आगे भी मेरे फ्यूचर में ऐसी गलतियाँ होंगी। बाकी फिर मैं काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब ट्रीटमेंट में रहा अपने, फिर मैं ट्रीटमेंट के बाद जब घर गया मैं काफ़ी अच्छी रिकवरी मतलब लाइफ में रहा, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनाई घर वालों से, इसके चलते मतलब मेरा दोबारा एडमिशन हो गया कॉलेज में और मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ। मतलब अपने घर वालों का जो भरोसा है वो जीत पा रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं एक रिकवरिंग कराया मैंने अपनी लाइफ में, अपने घर वालों का जो टूटा हुआ विश्वास था वो, और मतलब अपने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा लगता है मुझे बिना नशे के रहना। मतलब वो जो टेंशन थी पास्ट की वो मतलब फेस करता हूँ फ्यूचर में बिना नशे के। पहले नशा चाहिए होता था उन सबको फेस करने के लिए, आज बिना नशे करता हूँ काफ़ी अच्छा लगता है। तो यही सब था मेरा रिकवरिंग, काफ़ी अच्छा है, मैं रिकवरी में रह रहा हूँ। थैंक यू।